मजा आ गया घूम के। Hey guys, welcome back to my new vlog। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है फुल डे, तो आज बैक बाइसेप की वर्कआउट है और आज का ब्लॉग जिम से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि घर पे मैं शूट नहीं कर पाया था और थोड़ा जल्दी जल्दी में जिम आना पड़ा था। और आज से बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से डाइट भी अच्छी नहीं चल रही थी और थोड़ा बहुत गेन हो गया हूँ मैं, तो आज से डाइट अच्छी करते हैं, थोड़ा बहुत कट करना है। अभी मेरा बॉडी वेट 72 है, अगले 15 दिन में मुझे 68 तक आना है और अपनी बॉडी को एकदम लीन करना है। पहले हमको बैक करना है, उससे पहले वार्म अप कर लेते हैं। तो वार्म अप में मैं पहले पुलअप्स करता हूँ और उसके बाद फिर पहला सेट हम लोग का होगा बारबेल रोज। बारबेल रोज मैं पहला सेट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है और इसमें मैं बहुत ज़्यादा सेट्स लगाता हूँ। जैसे पहला तो 2 वार्म अप सेट होता है, उसके बाद फिर 6 से 8 सेट लगाता हूँ मैं इसका, 8 से 10 रेपिटेशन का। तो चलिए चलते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। फिर लेके आ गए। You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. Barbell rows का warm up करता हूँ, अब main set start होगा। Barbell rows मैं पहले इसलिए करता हूँ क्योंकि ये compound movement exercise है। बहुत लोग क्या करते हैं, back में भी बस isolation पे ध्यान देते हैं, जो कि बहुत गलत है। back बड़ी muscle है, तो इसके लिए compound movement बहुत ज़रूरी है। लास्ट में डेडलिफ्ट करेंगे, पहले बारबेल रोज कर लेते हैं। बारबेल रोज का अभी 2 वार्म अप सेट हो गया है, अब 6 सेट करेंगे इसको 8 से 10 रेपिटेशन के साथ। एक्सरसाइज आइसोलेशन की लेट पुल डाउन, इसके 4 सेट किया जाएगा, 8 से 10 या 12 से 15 रेपिटेशन के, जितना हो पाए। लेट पुल डाउन का लास्ट सेट जो होगा वो सुपर सेट होगा, जिसमें हर 6 रेप्स के बाद वेट कम हो। हम लोग की थर्ड एक्सरसाइज डंबल रोज होगी और इसमें हम लोग 4 सेट करेंगे 12 से 15 रेपिटेशन के। हम लोग की फोर्थ एक्सरसाइज हो वी हैंडल बार से सीटेड केबल रोज, इसमें भी हम लोग 4 सेट करेंगे। पहला 3 सेट हम लोग का 12 से 15 रेपिटेशन का होगा, फिर जो लास्ट सेट होगा हर 6 रेप्स के बाद वेट कम करेंगे। हर सेट के बाद 3 को कम करना, ठीक है। Whenever you feel like you're about to sing, I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for. Back का हम लोग का last set होगा deadlift, इसके भी 5 set करेंगे 8 से 10 repetition के साथ। Deadlift मेरा थोड़ा weak है, ये 140 kg है, ये मेरा तीसरा set है, इसके बाद 150 kg से try करेंगे। लास्ट सेट 150 kg ट्राई करते हैं। नेक्स्ट टाइम 160 ट्राई करेंगे और 150 पे 5 रेप्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो गाइज वर्कआउट डन और अब चलते हैं घर, अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं। आज से स्ट्रिक्ट डाइट भी करना है, तो कोई चीट मील नहीं, आज से चिकन एग और वाइट राइस पे ही जीना है। तो चलिए चलते हैं, और अभी तो वेज ही खाऊंगा मैं, वो जो मैं रोज़ खाता हूँ काबुली चना वाला अपना मील, उसके बाद फिर
वाइट एग खाऊंगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं, उसके बाद चिकन खाऊंगा। चलिए दिखाते हैं आपको। तो गाइस जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि मम्मी को बनारस छोड़ना है, तो चलते हैं मम्मी को बनारस छोड़ते हैं। यहाँ से 80 किलोमीटर है, तो चलते हैं बनारस छोड़ते हैं, उसके बाद उधर ही से कहीं घूमने चलेंगे, जैसे अस्सी घाट या फिर कहीं, देखते हैं कहाँ चलते हैं, आपको भी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस मेरे साथ करण भी अभी चल रहे हैं, उधर से मैं अकेला आता तो इनको भी ले लिया साथ में, साथ में एंजॉय करेंगे वहाँ चल के, देखते हैं कहाँ कहाँ चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं बनारस। तो गाइस मम्मी को ड्रॉप कर दिया है, अब जा रहे हैं दीदी के यहाँ, वहाँ उनको कुछ सामान देना था, तो दीदी के यहाँ चलते हैं, फिर वहाँ से चलेंगे विश्वनाथ मंदिर जो BHU में है, उसके बाद देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो इसके साथ हम जा रहे हैं इसके लैब में, BHU की केमिस्ट्री फैकल्टी। ये है मेरी बहन। तो गाइस हम लोग आए हैं विश्वनाथ मंदिर BHU में जो है। हर जगह लौंडियाबाजी। भैया आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे? यहाँ तो बहुत, यहाँ पे रौनक बहुत ज्यादा है। रौनक मतलब लड़कियाँ? नहीं नहीं, मतलब सब अच्छा है यहाँ। और मजा आ गया घूम के। मजा आया एकदम। आप यहाँ रहना चाहते हैं क्या? 101% यही रहना चाहते हैं। चलिए आपका एडमिशन करा दें BHU में। दीदी से बात करके BA 8 से ही करा दो, चाहे होम साइंस से करा दो, लेकिन एडमिशन करा दो। लड़कियों के लिए ना? नहीं। तो विश्वनाथ जी के दर्शन हो गए और हम लोग जा रहे हैं घर। रास्ते में कहीं रुकेंगे कुछ खाने पीने के लिए। मैंने आते टाइम ओट्स ले लिया था पैक करके, पहले चलते हैं ओट्स खाते हैं, उसके बाद करण भैया को भी कुछ खिलाना है, तो रास्ते में रुक के कुछ खिलाते हैं इनको, उसके बाद चलते हैं घर। डाइट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कहीं भी बाहर जाओ आप, अगर पॉसिबल हो तो कुछ भी अपनी डाइट का जो भी आप खाते हो वो टिफिन में लेके रख लो, क्योंकि बाहर जाओगे तो भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो आप कुछ भी खाओगे, क्योंकि भूख के टाइम ये नहीं समझ में आता है कि डाइट का खाएं या इधर उधर का खाएं। भूख लगती है तो बस ऐसी चीज ही खाने का मन करता है जो डाइट से रिलेटेड ना हो, फुल्की चाट समोसा यही सब खाने का मन करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं करण आइसक्रीम खा रहा है और हम खा रहे हैं ओट्स। तो डाइट हो गई, अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं सीधे घर। बीच में रुकेंगे कुछ करण भैया को खिलाने के लिए। मैंने तो ओट्स खा लिया, ये बस अभी आइसक्रीम खाए हैं, इनको कुछ खिलाते हैं, इसके बाद निकलते हैं। अभी बज रहे हैं 5, यहाँ से घर 80 किलोमीटर दूर है, तो चलिए निकलते हैं। ये इतनी मस्त जगह है BHU कि यहाँ पे आने के बाद जाने का मन ही नहीं कर। इतना साफ सफाई है यहाँ पे और इतना मतलब अच्छा लगता है, इतने पेड़ पौधे, इतना इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, इतना सुकून मिलता है यहाँ पे। तो गाइस करण भैया की नेक्स्ट मील चाट है और ये इनका मलाई कोफ्ता वेट कर रहा है। तो घर पहुँच गया, सोचा था आज से अच्छे से डाइट करूँगा पर वो भी नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी के साथ जाना पड़ा, और कोई नहीं कल से स्टार्ट करेंगे अच्छे से डाइट। चिकन खाना था वो भी नहीं खा पाया, पर कल से ट्राई करेंगे कि रेगुलर चिकन खा सके, क्योंकि प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाता है विदाउट चिकन। तो आज तो अभी लास्ट में मैं खा रहा हूँ जो ये है, इसमें पनीर है, स्वीट कॉर्न है और मशरूम है, तो और 2 ब्रेड है कार्ब्स के लिए, तो यही खाते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।